दोस्तों, अगर मैं कहूं कि जवान ओपनिंग डे पे ओवरसीज में जितने भी रिकॉर्ड है बॉलीवुड की फिल्म का, इंडियन फिल्म का, वो तोड़ने जा रही है, तो इसमें हैरानी की बात नहीं है। पठान का जो ओपनिंग डे का रिकॉर्ड था वो भी टूट जाएगा। सबसे ज़्यादा बॉलीवुड की फिल्म अगर ओपनिंग ली है तो पठान है ओवरसीज में। इंडिया की बात मैं नहीं कर रहा हूँ इस वीडियो में, इंडिया की बात मुझे नहीं करना है इस वीडियो में, किसी और वीडियो में बात करेंगे डोमेस्टिक बिजनेस के बारे में। लेकिन ओवरसीज में जिस तरह से ओपनिंग पठान ने लिया था उसका रिकॉर्ड खतरे में है, टूटने जा रहा है, क्योंकि यूएसए में पठान से ज़्यादा स्क्रीन्स में से रिलीज़ किया जा रहा है, बड़े पैमाने पर रिलीज़ किया जा रहा है और टिकटें ऐसे बिक रही हैं जैसे कि लग रहा है कि फ्री में राशन बांटा जा रहा है, फ्री में मिठाइयाँ बांटी जा रही है कि आओ ले जाओ। यानी कि 5-5 मिनट के अंदर 1,000 टिकट सेल हो रहे हैं। और भाई साहब, एक थिएटर में तो मतलब जितने पूरे दिन के जो शो है ना उसमें 8 स्क्रीन्स है और जितने शो हैं ना वो 3 घंटे में बुक हो गए। यानी कि इतना ज़बरदस्त बुकिंग देखा जा रहा है यूएसए में और धीरे धीरे ओवरसीज और मार्केट ओपन हो रहे हैं। और अभी आप यकीन नहीं मानेंगे और आपको मानना पड़ेगा, 1 महीना वक्त है और ऐसा रिस्पॉन्स ओवरसीज में कोई दिखा दे एडवांस बुकिंग खोल के। जबकि जवान कोई इंटरनेशनल टाइप फिल्म नहीं है, ये मैसिव फिल्म है, यानी कुछ देसी मसाला टाइप फिल्म है, तब जाके ये हाल है। अगर जवान के जगह कोई और फिल्म होती, डंकी होती, तो फिर क्या होता आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते दोस्तों कि डंकी का क्या तूफान आएगा ओवरसीज में। ऐसे टिकट किसके किसके बिकते हैं भाई? ओवरसीज का कलेक्शन अगर आप देखें किसी भी एक्टर का, बॉलीवुड में जितने भी एक्टर हैं, इंडिया के पूरे एक्टर को भी उठा लें, तब भी शाहरुख खान का मुकाबला कोई नहीं कर सकता है दोस्तों। अगर हम बॉलीवुड में बात करें तो शाहरुख खान ने सबसे ज़्यादा $10 मिलियन वाली फिल्में दी है ओवरसीज में। आज शाहरुख खान की फिल्में मतलब 20 मिलियन तो बहुत ईजी है उनके लिए। आप कंपेयर कर लेना कि सलमान खान की बजरंगी भाईजान जैसी बेहतरीन फिल्म, बजरंगी भाईजान का चाइना वाला बिजनेस आप हटा दें, चाइना वाला बिजनेस को अगर हटा दें आप, तो ओवरसीज में जितना बजरंगी भाईजान ने कमाया था उससे ज़्यादा दिलवाला जैसी घटिया फिल्म ने कमाया था। तो आप अंदाज़ा लगा लें कि शाहरुख खान का पावर कितना ज़बरदस्त है। आज भी ओवरसीज में कोई मुकाबला ही नहीं कर सकता है ओवरसीज में शाहरुख खान का। बाद में बजरंगी भाईजान चाइना में रिलीज़ हुई, चाइनीज़ में डब हुई, तब जाके वो फिल्म 900 करोड़ का वर्ल्ड वाइड की है। लेकिन यहाँ पठान 1,000 करोड़ ज़्यादा कमाई है विदाउट चाइना, चाइना में रिलीज़ नहीं हुई पठान, तब जाके 400 करोड़ का बिजनेस किए ओवरसीज में। आप समझ सकते हैं इस बात से कि शाहरुख खान की फिल्म जिस दिन बेहतरीन फिल्म आ गई, जिस दिन बजरंगी भाईजान टाइप फिल्म आ गई, दंगल टाइप फिल्म आ गई, 3 इडियट टाइप फिल्म जिस दिन शाहरुख खान की आ गई, उस दिन ओवरसीज क्या होगा? रियल पोटेंशियल हम किसी ने भी शाहरुख खान का नहीं देखा है ओवरसीज में। जिस दिन डंकी 3 इडियट टाइप फिल्म निकल गई, बजरंगी भाईजान टाइप फिल्म निकल गई, फिर आप देखना कि ओवरसीज किस तरह से शाहरुख खान ला के देंगे, आपको उस दिन ही पता चलेगा। तो कमेंट करके बताएं कि जवान का बिजनेस ओवरसीज में ज़बरदस्त होने जा रहा है, एडवांस बुकिंग का रिपोर्ट ज़बरदस्त है, मतलब ख़तरनाक रिस्पॉन्स है ओवरसीज में, यूएसए में, और भी मार्केट ओपन होने वाले हैं जिसको लेके मैं आपको जानकारी देता रहूँगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, FF News देखते रहें। धन्यवाद।